नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग लखनऊ के इंदिरा नगर तकरोही एक एरिया में है, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे शाश्वत सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्लब द्वारा एक मुहिम शुरू करी गई है, बाल शाश्वत एक मुहिम। बाल शाश्वत मुहिम के अंतर्गत बहुत से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 4 साल से लेकर 8 साल बच्चों तक में जागरूकता भी लोग फैला रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जो नींव है वो शिक्षा है। जब तक शिक्षा हमारी मजबूत नहीं होगी, हम देश में ना प्रगति कर सकते, ना हमारे देश की उन्नति हो सकती। आइए चलते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से वो लोगों के बीच में शिक्षा को लेकर एक जागरूकता फैला रहे हैं। अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं बाल शाश्वत के कोऑर्डिनेटर। पहले हम उनसे उनका परिचय जानेंगे और पूछेंगे किस तरीके से बच्चों के बीच में शिक्षा को लेकर के जागरूकता फैला रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे हंगामा टाइम न्यूज चैनल में। नमस्कार। तो आपका पूरा नाम? मेरा नाम है शशांक शेखर शुक्ला। तो किस तरीके से बच्चों के लिए आप यहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या क्या चीजें बच्चों को मिलेंगी? जी देखिए, हम यहाँ पे सबसे ज्यादा जिस पे जोर दे रहे हैं वो है उनकी पढ़ाई पे, क्योंकि हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि जिस तरह से कोविड की सिचुएशन आई, परिस्थितियाँ आई हैं, जैसी भी हुई हो, इसमें बहुत लोगों का नुकसान हुआ और बच्चों की पढ़ाइयाँ भी बहुत सफ़र करी हैं। इस चीज़ को कवर करने के लिए, इस चीज़ को और बच्चों में उत्साह बढ़ाने के लिए पढ़ाई का, हम लोग ने इस मुहिम को शुरू किया है कि पढ़ाई के माध्यम से हम उनको ये बता सकें, ये जता सकें कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है आज के समय में, वो अपना भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं, वो जो सपने देखते हैं अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, किस तरह से जो है उसको कामयाब कर सकते हैं। इसलिए हमने बाल शाश्वत अपनी संस्था के तहत ये मुहिम चलाया है कि सभी बच्चे इस पढ़ाई का हिस्सा बन सकें, इस क्लास का हिस्सा बन सकें और इसके साथ सभी अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, साफ़ सफाई, खुद को कैसे तैयार रखना है, थर्ड वेव की जैसे सब लोग उम्मीद कर रहे हैं उससे कैसे लड़ना है, उसकी कैसे तैयारी करनी है, वैक्सीनेशन क्या होता है, इसकी सभी जानकारी हम इन सब बच्चों को देते हैं। तो कब से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को करना शुरू करा है? ये आज तो हम इनको मिड डे मील के माध्यम से आज हमने इनको बुलाया है, उत्साह बढ़ाया है ताकि ये आएँ, एडमिशन लें, और इसकी फॉर्म की भराई कल हो चुकी है, सभी के एडमिशन हो चुके हैं। तो अभी एक बैच में हमने 48 बच्चों को एडमिशन दिया है, अब अगला बैच हम कुछ समय के बाद जिस तरह से जैसे आपने बताया आपने फॉर्म भरवाया, तो फॉर्म निःशुल्क है कि शुल्क है? कुछ निःशुल्क है, पूरी पढ़ाई यहाँ पर निःशुल्क है, हम किसी से किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। ये जितने भी कॉपी किताबें हैं, जितनी भी पढ़ाई का जितना भी सामान आ रहा है, पेन पेंसिल बोर्ड वगैरह जो कुछ भी है, ये सब लोग हम लोग किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं और कई लोग हैं जिनके माध्यम से ये पूर्ण हो पा रहा है, बहुतों ने सहयोग किया है इसमें, बहुतों के आभारी हैं हम और हमारी संस्था जिस तरह से हम लोग ये मुहिम लेके चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये एक आसमान का शिखर छुएगा। तो कोविड प्रोटोकॉल की पूरी जानकारी आप बच्चों को दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने शुरुआत इसकी करी थी, पहले बच्चों को बताया था कि यहाँ पढ़ाई होगी, उसके साथ हमने बच्चों को सैनिटाइज़र की छोटी बॉटल और मास्क बांटे थे और ये बताया था जिस दिन से क्लास शुरू होगी या जिस दिन से इसकी ओपनिंग होगी उस दिन से ये ज़रूरी है कि आपको मास्क लगा के आना है, सैनिटाइज़र भी साथ में लेकर आना है और क्लास में जब आप एंट्री करेंगे तो सभी में डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। तो कितने घंटे क्लासेस चलेंगी आप? ये हमारी 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, जिसमें वीकली रहेगा, मंडे टू थर्सडे हमारी सारी पढ़ाई की क्लासेस रहेंगी, जिसमें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे हम लोग सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। और सैटरडे संडे हम लोग ने इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए रखा है, जैसे आपका डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, खेल कूद का हो गया, या कोई घर की क्रिएटिव आइटम बनाना, ये सब सिखाना ये किया है। तो सिर्फ इसका नाम आप लोगों ने बाल शाश्वत क्यों रखा? शाश्वत का मतलब होता है जो कभी खंडित नहीं होता, और बाल का मतलब तो हमें लगता है ये छिपा नहीं, बचपन, तो एक ऐसा बचपन जिसको कोई खंडित नहीं कर सकता, इसलिए हमने इसका नाम बाल शाश्वत रखा। नए भविष्य की एक नींव रखने जा रहे हैं आप लोग? उम्मीद तो यही कर रहे हैं। तो कितने टीचरों का सहयोग है आपके इस बाल शाश्वत मुहिम को आगे बढ़ाने में? अभी तो हमारे साथ 5 टीचरें हैं और एक प्रिंसिपल जी हैं करामत पब्लिक स्कूल की, उनका सहयोग है और सभी लोग मिलके यहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, सबने कहा है कि वो सभी सहयोग करने को तैयार हैं, तो इसी बात की खुशी है हमें। तो यहाँ पे और टीचर भी हैं, यानी कि अध्यापिका लोग भी हैं, उनसे भी बात करें किस तरीके से बच्चों को मैनेज करेंगे और किस तरीके कोविड प्रोटोकॉल की पूरा पालन कराएंगी। जिस तरीके से कहा जाता है कि बच्चे एक माटी होते हैं, उनको जिस आकार में ढाला जाता है वो उसी आकार का रूप ले लेते हैं, तो हमारे बीच में इस समय है एक समाज सेविका है, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से वो इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है और क्या योगदान दे रही है। आपका स्वागत है मैम, आपका पूरा परिचय? अर्चना सिंह, मैं समाज सेवी।
और बच्चों के लिए तो जो भी किया जाए सब कमी है, जितना हो सकता है उतना किया जाएगा बच्चों के लिए। तो मैम किस तरीके से बच्चों को जागरूक करेंगे कि वो पढ़ाई भी करें, साथ में जिस तरीके कोरोना की जो तीसरी लहर आ रही है उसको लेकर के कितना अपने बीच में जागरूक, क्योंकि जो तीसरी वेव है वो बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, सावधानी से सब कुछ करना है, बच्चों को मास्क लगाने के लिए बताना है, उन लोगों को दूरी रखने के लिए वो किया जाएगा, पढ़ाने में सब सहयोग किया जाएगा जो भी है सब कुछ। तो यहाँ पे आप पर डे प्रेजेंट रहेंगी या वीक में? वीक में। तो कहते हैं जिस तरीके से बिना शिक्षक के कोई शिक्षा का माध्यम नहीं होता, तो हमारे बीच में समय शिक्षिका जुड़ रही जो यहाँ पे लोगों को और बच्चों को मोटिवेट करेंगी कि किस तरीके से शिक्षा के प्रति वो आगे बढ़े। आपका नाम है? हेलो, मेरा नाम शगुन शर्मा है। तो मैम किस तरीके से बच्चों को आप शिक्षा देंगी और क्या क्या सिखाएंगी आप? जी, ये हमारी कुल रोज़ 1.5 घंटे की क्लास चलेगी और यहाँ पे करीबन 2 से 3 टीचर रहेंगी, 2 से 3 शिक्षिका रहेंगी, और हम लोगों का काम ये रहेगा कि हम लोग इन बच्चों को ना ही सिर्फ करिकुलर्स की नॉलेज दें, मतलब जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ज्योग्राफी, बल्कि उसके अलावा हम लोग सैटरडे संडे को इनको एक्स्ट्रा करिकुलर के एक्टिविटीज़ के लिए भी उनको रूबरू करवाएंगे, जिससे इनका सिर्फ शिक्षा की तरफ ही नहीं बल्कि ओवर ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इस प्रोजेक्ट का मेन एम ये है कि हम लोग यहाँ से बच्चों को एक बेसिक अमाउंट ऑफ एजुकेशन दें, उन्हें इस लायक बनाएं, और जब वो मिनिमम एजुकेशन उनको मिल जाएगी तो हम लोग उन्हें हायर स्टडीज़ के लिए वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में उनकी रुचि हो उस फील्ड में भेजने के लिए हम लोग उनका आगे भी हाथ पकड़ के उन्हें उस रास्ते पर चलवाएंगे। क्योंकि जब से COVID-19 हमारे देश में आया शिक्षा का ग्राफ बहुत गिर गया है, तीसरी वेव जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक है, तो इस समय बच्चों के लिए क्या सावधानी आप लोग रख रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग कोविड के सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, बिना मास्क के किसी की एंट्री नहीं होगी, बिना सैनिटाइजर्स के यहाँ पे कोई आएगा नहीं, आते वक्त हम उन्हें सैनिटाइज करेंगे, जाने के बाद उन्हें सैनिटाइज करेंगे, और इसके अलावा हम लोग इसके लिए भी उन्हें जागरूक करेंगे कि किस तरीके से पर्सनल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस टाइम में जबकि इतना वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक आया हुआ है कंट्री में। तो जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पे जो भी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी COVID-19 के प्रोटोकॉल के अंतर्गत दी जाएगी, यानी कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल किस तरीके करना है, मास्क कैसे लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन कैसे करना, क्योंकि जो तीसरी वेव है वो बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक है, शिक्षा ज़रूरी है लेकिन जब तक जिंदगी रहेगी तभी हम शिक्षित हो पाएंगे, और भी लोग यहाँ पे उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो इस मुहिम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो मैम बताइए यहाँ कितने बच्चों को रोज़ आप शिक्षा देंगी? यहाँ पे 24 बच्चे हैं रोज करेक्ट स्टडी करने के लिए। जी मैम, कितनी एज के बच्चे हैं? मैक्सिमम यहाँ से 2 से 2.5 साल तक, 8 साल तक के बच्चे हैं यहाँ पे। तो कब से कब तक क्लासेस चलेंगी? सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, 2 घंटे। और कितने डेज चलेगी वीक में? वीक में 6 डेज चलेगी क्लासेस। क्या क्या चीज़ सिखाएंगी आप? हिंदी, इंग्लिश, मैथ होगा, उसमें छोटा बड़ा सब बच्चों को बेसिकली जो है नॉलेज वो सारी नॉलेज मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़े बच्चे हैं उनसे पूछेंगे किस तरीके से वो कोरोना महामारी जो हमारे देश में है उसके लिए कितने जागरूक है। बेटा क्या नाम है आपका? राज वर्मा। तो जो आपने मास्क लगाया किस लिए लगाया? कोरोना की महामारी बचने से के लिए। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको और क्या जरूरी है? मास्क लगाना, सैनिटाइजर लेके आना। मेरा नाम साजिद। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd। तो ये मास्क जो लगाया किस लिए लगाया आपने? कोरोना महामारी के लिए। और जो आप यहाँ पढ़ाई करने आएंगे तो किस किस चीज़ों की सावधानी रखेंगे? मास्क और सैनिटाइजर। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बच्चे भी थोड़े जागरूक हैं यहाँ के, कि जिस तरीके से वो अपनी पढ़ाई को लेकर के जागरूक ही हैं, लेकिन साथ में जो हमारे देश में COVID-19 जैसी महामारी आई है तो उसके प्रति भी वो जागरूक है, इसलिए जो तीसरी वेव है हमारे बच्चों के लिए और देश के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, जब आपको ज़रूरत हो तभी बाहर निकले। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जान लेना चाहूँगी। धन्यवाद।